एंजाइटी और शारीरिक बीमारी, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एंजाइटी हमारे शरीर को बहुत डैमेज करती है, अनेक बीमारियां तैयार होती है एंजाइटी की वजह से। हार्ट के ऊपर एंजाइटी असर करती है, जैसे हार्ट रेट बहुत बढ़ता है तो हार्ट अटैक आ सकता है, पाल्पिटेशन होता है, धड़ 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 सीने के ऊपर ऐसा मालूम पड़ता है, चेस्ट पेन हो जाता है, हाथ कांपते हैं, फिर उसकी वजह से बीपी ज़्यादा हो जाता है और हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो ये हार्ट के ऊपर है। नंबर 2, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन संस्था। इसमें एक तो नौशिया होता है, भूख लगती नहीं है, खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता है, ज़्यादा लैट्रिन को लग सकती है, ज़्यादा पेशाब को लगती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है या लैट्रिन बंद हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि दो दो तीन तीन दिन लगना ही नहीं। तीसरा है इम्यून सिस्टम। क्या होता है कि कॉर्टिसोल का सर्ज होता है, एकदम कॉर्टिसोल का ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, वो करता है डैमेज इम्यून सिस्टम को। प्रतिकारक शक्ति जो हमारी है उसको डैमेज करता है कॉर्टिसोल, और फिर उससे वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, बदन पर इचिंग हो जाना या बुखार आना, ऐसा जल्दी हो जाता। फिर उसकी वजह से बाद में फिर हेडेक होना, दर्द, सर दर्द या माइग्रेन के अटैक आना, ये हो जाता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन संस्था, उसके ऊपर एक तो ज़्यादा जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, अस्थमा का डर लग सकता है, मतलब हो सकता है अटैक आ सकता है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से सांस लेना छोड़ना, उससे फिर थकान भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। पूरे बॉडी में दर्द होने से टायर्डनेस और लॉस ऑफ एनर्जी होती है। फिर एंग्जाइटी वालों लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं है, शुगर लेवल बढ़ जाती है एंग्जाइटी की वजह से, और डायबिटीज होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट, एंग्जाइटी जो है वो सभी बॉडी को हार्म करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब आंखें, आईसाइट, सरदर्द, श्वास, श्वसन संस्था, पाचन संस्था, चमड़ी, स्किन के ऊपर रैशेस आना या सोरियासिस वगैरह जैसी बीमारियां होना, हार्ट, पूरा बदन, बॉडी, हेडेक, माइग्रेन के अटैक्स, ऐसे सब बॉडीली डिजीजेस एंग्जाइटी के लोगों को होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई एंग्जाइटी जो है उसको ट्रीट करो। हिप्नोथेरेपी से एंग्जाइटी परमानेंटली ठीक हो जाती है, परमानेंट क्योर है। और दवाइयाँ आप लेते हैं एंटी एंग्जाइटी ड्रग, एक अल्प्राजोलाम, क्लोनेजिफाम, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो लोगों को पैनिक अटैक आते हैं उनके लिए भी क्लोनेजिफाम बहुत अच्छी है। हिप्नोथेरेपी सबसे बेस्ट है, बेहतरीन है, जिसमें बिना दवाई का इलाज हो जाता है। हमारा ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको सभी बीमारियों के बारे में जानकारी होंगी। हमारे कुछ वीडियोस हैं वो आपको देखने मिलेंगे, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।